सीआरपीसी की। आपने सुना होगा बहुत जगह कि किसी जगह धारा 144 लगा दी गई है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो धारा 144 सेक्शन 114 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 144 है, धारा 144 है, उसमें क्या बता रखा है आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि कर्फ्यू जब लगता है तो भाई कब लगता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं कर्फ्यू लगने के, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये टर्म जो लिखी हुई है पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना जिससे पब्लिक को हार्म पहुंचे, जनरल पब्लिक को हार्म पहुंचे। जनरल पब्लिक मतलब जनता के लिए कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कार्य जो हार्म पहुंचा सकता है, जिससे जनता का नुकसान हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे बॉडी का हो, चाहे हेल्थ का हो, तो उस हार्म को बचाने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। तो पब्लिक ऑर्डर के अंडर जो मैंने आपको बात बताई कि किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल हो या किसी भी सोसाइटी को, उस जगह के, उस इलाके के लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 अब भी लगाता कौन है? तो धारा 144 लगाने के लिए है डीएम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, आईएएस ऑफिसर रैंक का जो पर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर एसटीएम, दैट इज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक आरएएस होता है मोस्टली, या फिर आईएएस भी लगा सकते हैं। तो जो आरजे आरएएस होता है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में वो लोग आ जाएंगे जो एसडीएम से नीचे हैं, एसडीएम से जो पोस्ट नीचे, जैसे तहसीलदार हुआ। अब हम बात करते हैं कि भाई धारा 144 जब लगाई जा रही है तो कब लगाई जा रही है, तो उसके लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उसको माना जाए कि ये धारा 144 यहाँ लगी हुई है। तो वहाँ पे है कि जहाँ पे 5 से अधिक लोग खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस 5 से अधिक लोगों को खड़ा होने के लिए मना किया जाएगा कि आप 5 एक साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते, आप अपने घर में रहिए या जहाँ आप जाना चाहे वहाँ जाइए, लेकिन 5 जने एक ग्रुप बना के नहीं खड़े हो सकते। ये हम देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलता है कि सबों को अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उस पर बात कर रखी है कि राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन जब धारा 144 लगाई जा रही है तो वहाँ पर 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना एक जगह पर मना होता है। फिर हम बात करते हैं कि किन के ऊपर लगाई जा सकती है धारा 144। धारा 144 किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर भी लगाई जा सकती है, कि एक सिंगल पर्सन से लगता है कि खतरा हो सकता है, जो पब्लिक ऑर्डर को खराब कर सकता है, तो एक सिंगल पर्सन के लिए भी लगाई जा सकती है, या फिर पर्टिकुलर एरिया और प्लेस, किसी एरिया और प्लेस में पर्टिकुलर पर्सन रह रहे हैं, कि ये एरिया डिफाइन होता है कि सोसाइटी से आपकी भी कॉलोनीज बनी होती है कि ये इस कॉलोनी के हैं, तो वही अगर उस कॉलोनी और उस लोगों के लिए बना रखा है कि आपको इस लोगों इन लोगों के लिए सब धारा 144 लगाई हुई है कि आप यहाँ नहीं जा सकते या नहीं आ सकते। फिर है कि पब्लिक विजिट, जनरली जो कुछ चीज़ें होती हैं पब्लिक विजिट की, जैसे मान लीजिए गार्डन है, तो धारा 144 अगर लगी हुई है तो आप गार्डन जैसी चीज़ें, या जहाँ पब्लिक विजिट की चीज़ें हैं, जहाँ विजिट करने जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं या टेम्परेरी जा रहे हैं, दैट इज पब्लिक विजिट। फिर हम बात करते हैं कि जब ये धारा 144 लगाई जा रही है तो ये कब तक रहती है। तो जो ऑर्डर पेड होता है, ऑर्डर कौन पेड करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जब ये ऑर्डर दिया इन्होंने तो ये 2 महीने तक रहता है, इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 मंथ्स। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक ऑर्डर जो है उस जगह का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है, मेंटेन नहीं हुआ है से मतलब जो सिचुएशन पहले थी धारा 144 लगाने से पहले वैसी नहीं आई है, जो हेल्थ और सेफ्टी है लोगों की वो नहीं हो पाई है अभी पूरी तरह, तो वो 6 महीने तक कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया के लिए, जो डायरेक्टर देगी इन लोगों को, डीएम, एसडीएम और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि आप 6 महीने तक कंटिन्यू रखें। ये 6 महीने कंटिन्यू उसी दिन से माने जाएंगे जिस दिन से ये 2 महीने शुरू हुए थे, जिस दिन से ये 2 महीने शुरू हुए थे। जैसे मान लीजिए 2 महीने कम होने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो बस वापस से 6 महीने शुरू नहीं होंगे, आप सिर्फ 4 महीने एक्स्ट्रा रख सकते हैं। फिर बात आती है कि जो मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट है वो जो ये ऑर्डर मेड हुआ है या फिर ये ऑर्डर जो मेड हुआ है इसको रिस्क या खत्म कर सकती है
लिए आइडिया डाल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि 2 महीने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ के लिए कर्ज लगाने की, तो वो 2 महीने की चीज़ कम करके 10 दिन का भी कर सकती है, 15 दिन का भी कर सकती है, 20 दिन का भी कर सकती है, 40 दिन का भी कर सकती है। तो ये मजिस्ट्रेट के पास पावर भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अल्टर कर सकते हैं, इसका खत्म करना चाहेंगे। तो नहीं लगता कि कर्ज लगाने की जरूरत है तो खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद हम इधर बात करते हैं, 2005 में एक अमेंडमेंट आया CRPC के अंदर, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया सेक्शन 84, दैट इज सेक्शन 114A। इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी आर्म्स, आर्म्स का मतलब कोई भी ऐसा हथियार जिससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, जिससे पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के पास आर्म्स है या मास ड्रिल ऑफ आर्म्स, मास ड्रिल, मास ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना कि जो आर्म्स के साथ कोई प्रैक्टिस करना है। अगला है मास ट्रेनिंग। मास ट्रेनिंग का मतलब है कि कोई भी पर्सन बहुत सारे लोग मिले, मास मतलब बहुत ज्यादा लेवल होता है, तो बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा नहीं है कि आर्म्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ये जो आर्म्स बड़े यहाँ पे भी रखते हैं, तो मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग। और ये जो ऑर्डर दे रहा है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही दे सकता है, ये ऑर्डर देने वाली पावर ना SDM ना अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। जब आर्म्स की बात आएगी इस विषय में, हथियारों की जब बात आएगी, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, सिर्फ वही ऑर्डर दे सकता है कि आप कोई भी हथियार अपने साथ नहीं भेज सकते, ना उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना उसकी ड्रिल कर सकते हैं। और जो ये ऑर्डर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, ये 3 महीने का ही एग्जिस्ट करेगा, 3 महीने के बाद ही अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने 2 महीने वाली बात पढ़ी, तो 3 महीने का है कि अगर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि आप कर्फ्यू लगा हुआ है और आप नहीं लेके आ रहे हैं, तो ये 3 महीने 3 मंथ्स का रहेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये आर्म्स वाली जो बात है तो और चीज़ पब्लिक पीस अभी मेंटेन नहीं हुआ है, पब्लिक ऑर्डर अभी मेंटेन नहीं हुआ है, तो वो 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकती है। उसके बाद आता है अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है, या तो वो आर्म्स रख रहा है अपने पास, या फिर लोग ग्रुप बना रहे हैं, तो उसका इम्प्रिजमेंट जो पनिशमेंट दिया हुआ है, वो पनिशमेंट है 151 जो सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग सेक्शन है, उसमें उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस वाला विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कोई भी पुलिस वाला विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे नहीं दे उससे मतलब नहीं है, उनके पास वारंट है नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी ही कंडीशन जो डिग्री ब्रीच कर रहा है, पास से अधिक लोग कहीं जाके मिल रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति हथियार लेके जा रहा है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है और उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है और इम्प्रिजमेंट मिल सकता है उसको 1 साल का। जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो उसको फाइन और इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, लेकिन जो ये इम्प्रिजमेंट मिला, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में बंद करवाना, कारावास की सजा, तो कारावास की सजा 1 साल की मिल रही है, लेकिन कारावास की सजा जो है अवेलेबल होती है। अवेलेबल का मतलब होता है कि उसमें आपको बेल मिल सकती है, आप उसमें जेल से बाहर आ सकते हैं अगर मजिस्ट्रेट को सुनने के बाद लगता है कि हाँ ये कार्य, ये व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो वो बेल भी मिल सकती है उसको। और अगर सपोज मान लीजिए किसी की शादी है, मैरिज है, या शव यात्रा जानी है, फ्यूनरल सेरेमनी उसको बोलते हैं, तो किसी की शादी हो रही है, फ्यूनरल सेरेमनी है, शव यात्रा जा रही है, किसी की शव विवाह है, और शादी के लिए जनरली जो देखा जाता है कि घोड़े पे बैठ के लोग जाते हैं, तो उसमें धारा 144 यहाँ पर नहीं लगी, और कोई भी फ्यूनरल सेरेमनी शव यात्रा जब हो रही है तो शव यात्रा के टाइम भी धारा 144 नहीं लगेगी। लेकिन शादी और शव यात्रा के टाइम ये जो चीज है आर्म्स या मास्टर ऑफ ट्रेनिंग और मास्टर, ये नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए, ये कार्य हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो।